नेशनल अवार्ड मुझे पहले मिला था 2015 में, 2015 में, तो ये हमें दिया गया है राजभवन में, सदर हिंद प्रणब मुखर्जी था उस टाइम, तो उसी ने दिया है राजभवन में हमें। तो ये हमने एक वहाँ पे मैंने एक वॉल पैलेट बनाई थी, तो उसी के सिलसिले हमें वो दिल्ली पहले जाना पड़ता है उसके लिए, वो हमारी एंट्री दिल्ली जाती है, वहाँ से उसको मतलब 3 बार सिलेक्शन होती है, उसमें हर कोई क्राफ्ट होता है, पश्मीना, वुड कार्विंग, वहाँ के हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों का, मतलब जो बाकी क्राफ्ट है उनके उनका भी। तो ऑलमोस्ट के मतलब जम्मू कश्मीर में वो उस साल 2015 में खाली मैं एक सिलेक्ट हो गया था पेपर मैशी में। तो फिर उन्होंने ऐसे तारीफ़ किए कि मतलब उन्होंने कहा कि आपने इसमें प्लेट में कलर कॉम्बिनेशन, इसका काम इतना बारीक काम, ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उनके वहाँ जो डिज़ाइनर हैं। उसमें मैंने मतलब जो एक मोर डिज़ाइन उसमें बनाया था, उसमें इतना बारीक काम था, मतलब शीशे के बगैर वो नहीं कर सकते हैं, उसमें वो डिज़ाइन बनाने में ज़रूरी शीशा लगाना पड़ता है, इतना बारीक है वो। तो इस वजह से कि मतलब बारीक काम करने के बाद मतलब थोड़ा मुझे आँखों से, मैं अगर खुद अपनी आँखों से देखता हूँ तो मैं हैरान रहता हूँ कि मतलब इतना बारीक काम, मगर वो काम मैंने किया है शीशा लगा के, मतलब शीशे के बगैर मैं नहीं कर सकता था वो काम। इस वजह से वो उन्होंने सिलेक्ट किया कि इतना बारीक काम है इस पे, ये इतना खूबसूरत है। सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ने जब मुझे सिलेक्ट किया नेशनल अवार्ड के लिए, उस टाइम J&K का मैं एक ही बंदा था उस टाइम, मतलब वहाँ तो लगभग 30 आर्टिज़न थे, 30 आर्टिज़नों में मैं वाहिद 2015 में एक ही मैं ही वो आर्टिज़न हूँ जिसको सिलेक्ट किया था। ये एक ऐसा क्राफ्ट बचा हुआ है अभी हमारे यहाँ J&K में जिसको कोई मशीन नहीं आई है। तो अगर इसमें अब हम फिर भी एक अपनी तरफ से अपनी स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम इसमें ध्यान दे दीजिए, ये आर्टिज़न दिन ब दिन कम हो रहे हैं। फिर आप ढूंढोगे कि ये आर्टिज़न कहाँ गए, ये हमारा यहाँ था एक क्राफ्ट पेपर मैशी नाम के रहेगा ये। तो मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि इस क्राफ्ट में ज़रा ध्यान दे दीजिए, इन आर्टिज़नों के लिए कोई प्रोवाइड कीजिए, कोई ये सेंटर कीजिए, या इनको एग्जीबिशन दीजिए, मतलब बाहर स्टेटों में, जब कम से कम ये कुछ पैसे कमा सके, इनकी मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो सके, और तभी ये अपने घर में जो भी फैमिली में है, भाई है, कोई है, उनको कहेंगे कि आप इसमें आ जाओ, इसमें पैसा ठीक है, हमें इसमें पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, तो आप इस काम में आ जाओ। वो तभी कह पाएंगे जब इसको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। मैं जब बचपन से ये काम करता आया हूँ, तो मतलब मैंने इसमें इतना मतलब सीखा कि मैं एक नेशनल अवार्ड की लेवल पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये किस लिए मुझे मिला, ये इसलिए कि मैंने ऐसा काम किया है। जब अगर कोई नया आएगा इसमें, वो भी सोचेगा कि नहीं, इसने जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।